सबको जय यीशु। एक दिन सुनीता मैडम कक्षा 8वीं का छात्र नवीन को लेकर मेरे पास आई और बोली, सिस्टर मैं क्या करूं? ये ना तो स्कूल में बराबर आता है, ना ही पढ़ता है और ना ही सीखता है। आप इसकी हालत देखिए, ये पहले ऐसे नहीं था, पर अब पूछने पर भी नहीं बोलता है। इतना कहकर टीचर चली गई। मैं उसका नाम लेकर बार बार पूछा, उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। समझाने की कोशिश की पर वह पत्थर जैसे खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, बेटा तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब तुम्हें क्या हो गया? जो कुछ भी हो मुझे बताओ। उसकी आंखों में आंसू फरने लगे, वो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते कहा, सिस्टर मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी अंधी है, मेरी दीदी सभी कार्य करती थी, परंतु पिछले वर्ष उसकी शादी हो गई, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं पढ़ना चाहता हूँ सिस्टर, लेकिन पढ़ नहीं सकता। धीरे धीरे उसे समझ आया, हम उसकी मदद करने का प्रयास किया जिससे वह सफलता प्राप्त कर सके। छोटा हो या बड़ा, हम सबके जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। अब तो कोविड-19 और लॉकडाउन, इसकी वजह से हम सबको कई तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम अकेले नहीं हैं, एक सर्वशक्तिमान और जीवित प्रभु हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे अंदर विद्यमान है। इस सर्वशक्तिमान और जीवित प्रभु का सान्निध्य अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस करते हुए जीने का एक कला हमें सीखना है, उनसे बातें करना है। हमारी आशाएं, आकांक्षाएं, दुख तकलीफ सब कुछ उन्हें बताना है, यही तो प्रार्थना है। वो अपने दूध को हमारे आगे आगे भेजेगा, वो हमारा मार्ग तैयार करेगा। विश्वास करो, प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे साथ रहते हैं। दूसरी बात, प्रभु कभी हमें भूलेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, वो हमारा उद्धार जरूर करेगा। हमारे लिए एक निर्धारित योजना उनके मन में है, वह हित की योजना है, अहित की नहीं। हमें कार्य करते रहना है। हम सबको मालूम है कि निरंतर परिश्रम और अटूट आत्मविश्वास सफलता प्राप्त करने में अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति में सफलता प्राप्त करने की शक्ति, क्षमता एवं ताकत प्रचुर मात्रा में सम्मिलित है। प्रभु से प्राप्त इस वरदान को जानना है, समझना है, अपनाना है। इसलिए कहते हैं कि सफलता प्राप्त करने की कुंजी अपने हाथ में है। बाहर से कोई व्यक्ति या शक्ति हमें हरा नहीं सकता जब तक हम हार नहीं मानेंगे। फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 में वचन कहते हैं कि जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। आप इस वचन को बार बार दोहराइए। बार बार दोहराने से एक नई शक्ति, एक नया जीवन हमें महसूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा आत्मबल भी बैठेगा। विश्वास करो, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तीसरी बात, प्रभु कहता है, मैंने तुमको इसलिए चुना है कि और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। प्रकृति में जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे होंगे, सब कुछ न कुछ फल उत्पन्न करते रहते हैं। फल उत्पन्न करने के लिए ही प्रभु ने हमें भेजा है। जो फलता है उसे छाटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। जीवन के संघर्ष द्वारा अधिक फल उत्पन्न करने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं। ध्यान में रखो, पेड़ तो अपने फल से पहचाना जाता है, मनुष्य अपने कर्म से भी। नवीन जैसे लोग हमारे परिवार में, स्कूल में, ऑफिस में, समाज में होंगे,
उसका तिरस्कार ना करे, उन्हें भी जीवन के मुख्य धारा पर लाए। थैंक यू।